शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य रिवाइज करेंगे। ओरिजिनल डेट है वाणी की 13 अक्टूबर 1992। बाबा आज किस विषय में समझा रहे हैं? सार है वाणी का, नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। ज्ञान योग हर बच्चे को है ना? कोई ऐसा बच्चा बैठा है जिसको ज्ञान नहीं या योग लगाना ना आता हो बाबा से? ऐसा कोई बच्चा इस क्लास में नहीं बैठा होगा। तो बाबा कहते हैं ज्ञान योग होते हुए भी नंबर 1 यदि बनना है तो ज्ञान योग को स्वरूप में लाना पड़े। आज सत शिक्षक अपनी श्रेष्ठ शिक्षा धारण करने वाले गॉडली स्टूडेंट को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? सत शिक्षक श्रेष्ठ शिक्षा धारण करने वाले गॉडली स्टूडेंट को देख रहे हैं। गॉडली स्टूडेंट सिर्फ सुनने वाला नहीं, धारण करने वाला। दुनिया में भी लौकिक पढ़ाई होती है, वो तो बस सुना और सुना हुआ लिखा या सबूत दिया कि मैंने सुन लिया है तो सुना कर दिखाया तो बस पास, लेकिन यहाँ तो धारण करना पड़े। तो बाबा क्या देख रहे हैं कि हर एक ईश्वरीय विद्यार्थी ने इस ईश्वरीय शिक्षा को कहाँ तक धारण किया है। पढ़ाने वाला एक है, पढ़ाई भी एक है मुरली, लेकिन पढ़ने वाले पढ़ाई में नंबरवार हैं। हर रोज़ का पाठ मुरली द्वारा हर स्थान पर एक ही सुनते हैं। हर स्थान पर, किसी भी स्थान पर बैठे होंगे, हर रोज़ का पाठ एक ही सुनते हैं, अर्थात एक ही पाठ पढ़ते हैं। मुरली अर्थात पाठ हर स्थान पर एक ही होता है। कितनी वंडरफुल ये ईश्वरीय मशीनरी है कि सारे विश्व में हर सेंटर पर, हर स्थान पर सेम मुरली एक ही दिन चलती है ना? चाहे किसी भी भाषा में सुन रहे हैं, किसी में देश में बैठे हैं, लेकिन क्या सुनते हैं? बाबा की वही महावाक्य हर बच्चा सुनता है। डेट का फर्क हो सकता है क्योंकि जैसे टाइम जोन चेंज होते हैं, तो किसी की डेट आज है ना 22 की होगी, किसी की 24 की, किसी की 23 की, वो अलग है, लेकिन एक ही समय पर एक ही मुरली सुनते हैं। लेकिन मुरली वही होती है, फिर भी नंबरवार क्यों है? एक ही पढ़ाने वाला, एक ही पढ़ाई, रोज़ का पाठ सेम पढ़ते हैं, फिर नंबरवार क्यों बनते हैं? नंबर इसलिए, नंबर किस लिए होते हैं? क्योंकि इस ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने की विधि सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन हर महावाक्य स्वरूप में लाना है। बाबा कहते सिर्फ सुनना ये ईश्वरीय पढ़ाई नहीं है, हर महावाक्य स्वरूप में भी लाना है। इस पढ़ाई की विधि ही यही है, इसको सुनकर हर महावाक्य स्वरूप में लाया तभी कहेंगे पढ़ा। इसलिए बाबा मुरली के अंत में क्या कहते रोज़? समझा। क्योंकि सिर्फ सुनना नहीं है, समझना भी है। समझना अर्थात स्वरूप में लाना। अब समझा कहने से सर तो हिला देते हैं, लेकिन समझा अर्थात क्या? एक एक महावाक्य को स्वरूप में लाना।
तो सुनना सबका एक जैसा है, लेकिन स्वरूप बनने में नंबर वार हो जाते हैं। लक्ष्य सभी का एक ही रहता है कि मैं नंबर वन बनूं, ऐसा लक्ष्य है ना? लक्ष्य तो एक ही है, मैं नंबर वन बनूं। कोई ऐसा है जो कहे नहीं, मेरा लक्ष्य तो नंबर वन का नहीं है? नहीं, लक्ष्य भी, क्योंकि बाबा ने लक्ष्य पक्का कराया है। बाबा कहते हैं ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चों का लक्ष्य भी क्या होता है? नंबर वन। हमें कोर्स कराते समय ही कौन सा चित्र दिखाते हैं लक्ष्य का? लक्ष्मी नारायण नंबर वन का चित्र देखते हैं। लक्ष्य नंबर वन का है, लेकिन रिजल्ट में नंबर वार हो जाते हैं, क्योंकि लक्ष्य को लक्षण में लाना। लक्ष्य तो ऊंचा है, अच्छा है, लेकिन लक्षण भी लक्ष्य के समान होने चाहिए। इसमें लक्ष्य और लक्षण में फर्क पड़ जाता है। जैसे कहा ना कि लक्ष्मी को वरना है तो मुंह देख कर आओ, तो वो जो लक्षण जब देखते हैं, शक्ल देखते हैं, तो पता चलता है कि हाँ वरना तो चाहते हैं, पर क्या है कि शक्ल में फर्क है। इस पढ़ाई में तो सब्जेक्ट भी ज्यादा नहीं है। बाबा कहते चार सब्जेक्ट को धारण करना, चार सब्जेक्ट की पढ़ाई है ना? स्कूल में तो कितने 8 10 सब्जेक्ट पढ़ते थे, अब तो चार सब्जेक्ट की पढ़ाई है। कौन कौन से चार सब्जेक्ट हैं? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। बस चार सब्जेक्ट की पढ़ाई है। इसमें मुश्किल क्या है, बाबा पूछते हैं। और चारों ही सब्जेक्ट का एक दो के साथ संबंध है। देखो स्कूल में पढ़ते हैं तो चार कितनी सब्जेक्ट होती, और सब्जेक्ट आपस में कनेक्टेड भी नहीं होते। अब हिस्ट्री का केमिस्ट्री से क्या लेना देना, नहीं? लेकिन यहाँ तो चार ही सब्जेक्ट और चारों का आपस में भी संबंध है। अब सुनते हैं, अगर एक सब्जेक्ट ज्ञान संपूर्ण विधि पूर्वक धारण कर लो, अर्थात ज्ञान के एक एक शब्द को स्वरूप में लाओ, तो ज्ञान है ही मुख्य दो शब्दों का, जिसको रचयिता और रचना व अल्फ और बे कहते हो। ज्ञान की परिभाषा क्या है? दो शब्दों का ज्ञान है, रचयिता और रचना का ज्ञान, अल्फ और बे का ज्ञान, अल्लाह और बादशाही। रचयिता बाप की समझ आ गई है ना? पहले समझना क्या है रचयिता को। बाबा कहते सबसे पहले बाप को समझो, अर्थात परमात्मा परिचय। सुनना, रचयिता बाप समझ में आया, उसकी निशानी क्या? परमात्मा परिचय, बाबा का नाम रूप देश काल गुण कर्तव्य, ये स्पष्ट हुआ। दूसरा संबंध स्पष्ट हो गया, बाबा को पहचानने में है ना, बाप की समझ आने में दो बातें हैं, सिर्फ परिचय नहीं, संबंध भी स्पष्ट हो गया, तब कहेंगे हाँ इनको रचयिता का ज्ञान समझ आ गया। मैं बच्चा, ये मेरा बाबा, मैं स्टूडेंट, ये मेरा शिक्षक, एक ही बाप टीचर सद्गुरु है मेरा, दूसरा कोई नहीं। जब ये स्पष्ट हो गया, तब समझे कि रचयिता का ज्ञान बुद्धि में बैठ गया। और रचना अर्थात पहली रचना, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। पहली बात, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सिर्फ आत्मा नहीं, रचना का ज्ञान क्या है? मैं आत्मा नहीं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं पहली रचना हूँ। शिव बाबा आकर सबसे पहले मुझे चुनते हैं, मैं हीरो एक्टर हूँ। और मुझ आत्मा का इस बेहद की रचना, अर्थात बेहद के ड्रामा में सारे कल्प में क्या क्या पार्ट है। सिर्फ वर्तमान में मेरा पार्ट वो नहीं, लेकिन मुझ आत्मा का
बेहद के ड्रामा में सारे कल्प में क्या क्या पार्ट है। स्वयं को संपूर्ण रूपेण जानना, अपने आदि अनादि स्वरूप को अच्छे से जानना, मैंने चार युगों में क्या पार्ट बजाया, मैं हीरो एक्टर हूँ, मैं परमात्मा की पहली रचना डायरेक्ट रचना संगम युगी ब्राह्मण हूँ, ये बुद्धि में बैठा माना रचना का ज्ञान बुद्धि में बैठा। सिर्फ मैं आत्मा हूँ यहाँ तक नहीं, लेकिन आत्मा अपनी श्रेष्ठता अपनी उच्चता दिव्यता को जाने, चारों युगों में मैं सबसे महान श्रेष्ठ पाठधारी हूँ ये रियलाइज़ करें। तो बाबा कहते ये सारा ज्ञान तो सभी को है ना, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा स्वरूप बन हर समय श्रेष्ठ पाठ बजाना। अब बाबा कहते ज्ञान भी है, फिर इसके बाद की बात क्या आती, एक तो रियलाइज़ करना, फिर सदा उस स्वरूप में स्थित रहना, मैं कौन मैं किसका, इस स्वरूप में स्थित होकर पाठ बजाना। इसमें कभी याद रहता है कभी भूल जाते हैं। अगर इन दो शब्दों का ज्ञान है, योग भी इन दो शब्दों के आधार पर ही है, मैं जो हूँ जैसा हूँ जानकर, बाप जो है जैसा है जानकर, उसे प्यार से याद करना, तो ज्ञान स्पष्ट है, मैं जो हूँ जैसा हूँ वो स्पष्ट है, बाबा जो है जैसा है और संबंध स्पष्ट है, तो उस प्यार से उस लगन से बाबा को याद कर सकते हैं। तो यही है योग का भी आधार। तो जो ज्ञानी तो आत्मा होगा वो योगी तो आत्मा भी होगा। तो बाबा कहते ज्ञान से योग का स्वतः ही संबंध है, जो ज्ञानी तो आत्मा है वो योगी तो आत्मा अवश्य ही है। तो ज्ञान और योग का संबंध हुआ ना, और जो ज्ञानी और योगी होगा उसकी धारणा श्रेष्ठ होगी या कमजोर होगी। अब जिसको इतनी अंदर क्लैरिटी है मैं कौन मैं किसका, उसके कर्म कैसे होंगे, दिव्य गुण संपन्न ही होंगे ना, पवित्र श्रेष्ठ ही होंगे ना। बाबा कहते श्रेष्ठ स्वतः होगी ना, सहज होगी ना, कि धारणा में मुश्किल होगी, क्योंकि कर्म जो है वो कहाँ से जन्म लेते, कर्म का बीज क्या है, स्मृति। तो बाबा कहते स्मृति वृत्ति दृष्टि कृति। तो जब स्मृति सत्य है स्पष्ट है उच्च है श्रेष्ठ है, तो कर्म भी नेचुरल श्रेष्ठ होंगे, स्वतः श्रेष्ठ होंगे, सहज श्रेष्ठ होंगे। ऐसा नहीं कि एफर्ट करना पड़े। एफर्ट कब करना पड़ता है, जब स्मृति कमज़ोर है और कर्मों को बदलने की कोशिश करते हैं तब मेहनत लगती है। लेकिन जहाँ स्मृति श्रेष्ठ है तो वृत्ति दृष्टि कृति सहज ही धारणा युक्त हो जाती है। जो ज्ञानी तो आत्मा योगी तो आत्मा है वो धारणा में कमजोर हो सकता है, बाबा पूछते नहीं, लेकिन होते तो हैं। तो ज्ञान योग नहीं है क्या, ज्ञानी है लेकिन ज्ञानी तो आत्मा वो स्थिति नहीं है। बाबा ये शब्द कई बार मुरली में बोलते हैं, ज्ञानी तो आत्मा। आज बाबा समझाते हैं ज्ञानी तो आत्मा मतलब ज्ञान नहीं, ज्ञान होना इतना ही नहीं, ज्ञान तो है लेकिन ज्ञानी तो आत्मा स्थिति है, ज्ञान स्वरूप अवस्था, तो वो नहीं है। अब धारणा में कमजोरी है मतलब ज्ञान है पर ज्ञान स्वरूप नहीं है, मैं कौन हूँ मैं किसका हूँ, ये रियलाइजेशन नहीं है, और है भी तो सदा नहीं रहती। तो बाबा कहते ज्ञानी तो आत्मा वो स्थिति नहीं है, योग लगाने वाले हैं लेकिन योगी जीवन वाले नहीं हैं। जीवन सदा होती है, योगी जीवन तब कहें जब एक घंटे दो घंटे पाँच घंटे के योगी नहीं, निरंतर योगी है। और जीवन नेचुरल होती है ना,
क्योंकि कोई भी चीज़ सदा करनी है तो नेचुरल होनी चाहिए। अगर पुरुषार्थ से कर रहे हैं तो थोड़ी देर कर सकेंगे। योगी जीवन अर्थात ओरिजिनल नेचर योगी की है। अब आप देखो, ज्ञान किस चीज़ का देते हैं बाबा? इसका नहीं, मुझे क्या बनना है। ज्ञान है मैं हूँ कौन। बाबा कहते हैं ज्ञान है ही ये कि मैं हूँ ही आत्मा, मैं हूँ ही देवात्मा। अब मुझे बस वो जो विस्मृति हो गई है उसको कहाँ से, वो विस्मृति के जो बादल आ गए हैं ना, उनको बाबा की याद से हटाना है और अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो जाना है। तो ज्ञान ये नहीं कहता कि हम देवता नहीं हैं बनना है, नहीं, हम देवता ही हैं, हमारी ओरिजिनल स्थिति ही वही है, हम हैं ही शांत पवित्र आत्मा। तो ज्ञान है रियलाइजेशन। तो बाबा कहते हैं जो ज्ञानी योगी आत्मा है उसको जैसे रियलाइज़ हो जाता है, यही मेरी ओरिजिनल नेचर है, जो पुराने संस्कार हैं मेरे जो इस समय प्रभावी है कलयुग में, वो क्या है, वो ओरिजिनल नहीं है, वो तो माया की चीज़ है। लेकिन जो ओरिजिनल है, वास्तविक है, वो यही है कि मैं श्रेष्ठ दिव्य पवित्र आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं जिसको ओरिजिनल नेचर पक्की हो जाती है ना, उसके लिए जो उसके लिए पवित्रता, दिव्यता, श्रेष्ठता, ब्राह्मण जीवन के संस्कार, ईश्वरीय संस्कार सहज और स्वतः धारण होते हैं, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो बाबा कहते हैं 63 जन्मों के विस्मृति के संस्कार व कमजोरी के संस्कार ब्राह्मण जीवन में कहाँ कहाँ मूल नेचर बनकर पुरुषार्थ में विघ्न डालते हैं। जब आज व्यक्ति कहता है मेरी नेचर, तो ज़्यादातर किसको कहता है, जो विस्मृति के, कमजोरी के 63 जन्म के संस्कार है ना, उनको कहता है। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा कहने से वो संस्कार हमारे ब्राह्मण जीवन में विघ्न बन जाते हैं। कितना भी स्वयं व दूसरा अटेंशन खिंचवाता है कि ये परिवर्तन करो, लेकिन उन संस्कारों को मेरा कहकर उनको बहुत ताकत देती है। इसीलिए कितना भी अटेंशन खिंचवाते कहेंगे परिवर्तन नहीं होते, क्योंकि उनको मेरा मेरा कहकर बहुत बल भर दिया है। बाबा कहते वह स्वयं भी समझते हैं कि ये परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जानते हुए भी, चाहते हुए भी क्या कहते हो, चाहते तो नहीं है लेकिन मेरी नेचर है ये, मेरा स्वभाव है ये। अब जो मेरा है ना, वो तो उसको तो मैला करने का अधिकार मिल जाता है। कहते हैं ना, मेरापन जिसमें होता है वही दुखी करता है। तो इसलिए ये जो पुराने संस्कारों को, कमज़ोर संस्कारों को मेरा कहकर उनको बहुत बल भर देते हैं। तो नेचुरल नेचर हो गई ना, किसके बोल में व व्यवहार में ज्ञान संपन्न व्यवहार व योगी जीवन प्रमाण व्यवहार व बोल नहीं होते हैं तो क्या कहते हैं, यही बोल बोलेंगे कि मेरी नेचुरल बोल ही ऐसा है ना, क्या कहेंगे। देखो, वैसे तो नेचुरल, आज ध्यान देना, नेचुरल और हैबिचुअल। हैबिट इज सेकंड नेचर। जो भी चीज़ हैबिट बन जाती है ना, उसको जैसे कहते हैं सेकंड नेचर, तो वो भी जैसे नेचुरल लगने लगती है। लेकिन बाबा कहते हैं नेचुरल, ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल तो आत्मा की दिव्यता है, आत्मा के पवित्र संस्कार है। लेकिन अभी क्या करते हैं, जो हैबिचुअल बना है, जो विस्मृति के संस्कार पक्के हो गए हैं, उनको मेरी नेचर कहते रहते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं और जिनके अंदर जो ओरिजिनल संस्कार है वो इमर्ज नहीं होते, स्वतः योगी जीवन नहीं बनती, फिर वो कैसे बोल कहेंगे, मेरा ना नेचर ही ऐसा है, पुराने संस्कारों के लिए कहेंगे कि मेरा नेचुरल बोल ही ऐसा है,
बोलने का टोन ही ऐसा है, ऐसे कहते हैं ना। वह कहेंगी मेरी चाल चलन ही ऑफिशियल व गंभीर है, मुझे थोड़ा रोब से रहने की है ना आदत है, ऐसे कहेंगे। नाम अच्छे बोलते हैं, जोश नहीं है लेकिन ऑफिशियल है ना। तो चाहते भी समझते भी नेचर नेचुरल वर्क करती रहती है, जिसको भी मेरी नेचर कहेंगे वो जैसे नेचुरल वर्क करती रहती है, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ऐसे ही ज्ञानी जीवन व योगी जीवन में रहते हैं तो ज्ञान और योग संपन्न हर कर्म नेचुरल होते हैं। जब अपनी सत्यता को अपनी नेचर रियलाइज़ कर लिया है, जब बाप के संबंध के बल से ईश्वरीय गुणों को अपनी नेचर रियलाइज़ कर लिया है, तो फिर हमारे लिए पवित्रता के संस्कार नेचुरल हो जाते हैं। यही उनकी नेचर बन जाती है और नेचर बनने के कारण श्रेष्ठ कर्म, युक्ति युक्त कर्म नेचुरल होते रहते हैं। तो समझा, नेचर नेचुरल बना देती है। देखो मैं कौन हूँ, उस आधार से मुझे कैसे देखना है, कैसे बोलना है, कैसे करना है, वो सारा स्पष्ट होता है। जो आत्मा की स्मृति है ना, वो चाबी है। स्मृति की चाबी के आधार से ही वृत्ति दृष्टि कर्म का है ना वो ताला खुलता है। तो बाबा कहते हैं जब स्मृति की चाबी ठीक लग जाती है कि मैं एक्चुअली कौन हूँ, और योग जैसे ही मैं अपने आप को आत्मा रियलाइज़ करती हूँ, मेरा योग भी गुणों के सागर से लग जाता है, सर्वशक्तिवान से लग जाता है। तो ज्ञानी योगी के अंदर जो कर्म है वो फिर नेचुरल कैसा होता है, युक्ति युक्त होता है। कॉन्शियसनेस कर्मों की चाबी है। अगर बिहेवियर को बदलना है तो कॉन्शियसनेस बदलनी पड़ेगी। जब वहाँ परिवर्तन आ जाता है तो बिहेवियर में कर्मों में आपे ही परिवर्तन आ जाता है। तो बाबा कहते तो समझा, नेचर नेचुरल बना देती है। तो ज्ञान और योग मूल नेचर बन जाए, इसको कहा जाता है ज्ञानी जीवन, योगी जीवन वाला, है ना। अब बाबा कहते ज्ञानी सभी हो, योगी सभी हो, लेकिन अंतर क्या है। एक ही ज्ञान सुनने सुनाने वाले, यथाशक्ति जीवन में लाने वाले, दूसरे हैं ज्ञान और योग को हर समय अपने जीवन की नेचर बनाने वाले। एक है यथाशक्ति, दूसरा है हर समय। विद्यार्थी सभी हो, लेकिन ये अंतर होने के कारण नंबरवार बन जाते हैं। जिसकी नेचर ही ज्ञानी योगी की होगी, उसकी धारणा भी नेचुरल होगी। जो अपने को अपनी नेचर जानता है कि मैं हूँ कौन, मैं आत्मा हूँ, बाबा की संतान हूँ, उसके अंदर ये जो पवित्रता के संस्कार नेचुरल होते हैं। नेचुरल स्वभाव संस्कार ही धारणा स्वरूप होंगे। बार बार पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा कि गुण को धारण करूं। वैसे भी अगर पुरुषार्थ करेंगे भी ना, अगर मैं कौन मैं किसका स्पष्ट नहीं और किसी गुण को धारण करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो बताए ना कॉन्शियसनेस ठीक नहीं है। कर्मों में चेंज लाने की कोशिश करेंगे तो अल्पकाल का होगा। आज तक क्या हुआ है, यही तो हुआ है ना, अपने आप को रियलाइज़ ना कर, बाप को रियलाइज़ ना कर, छोटे मोटे सोचा कर्मों में चेंज आए तो बहुत अल्पकाल का रहा है। तो बाबा कहते नेचुरल स्वभाव, बाबा कहते बार बार पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा कि इस गुण को धारण करूं, उस गुण को धारण करूं, लेकिन पहले फाउंडेशन के समय ही ज्ञान योग और धारणा को अपनी जीवन बना दे। इसलिए ये तीनों सब्जेक्ट ऐसी आत्मा की स्वतः और स्वाभाविक अनुभूतियां बन जाती हैं। इसलिए ऐसी आत्माओं को सहज योगी, सहज ज्ञानी,
सहज धारणा मूर्त कहा जाता है। तीनों सब्जेक्ट का कनेक्शन है। जिनके पास इतनी अनुभूतियों का खजाना संपन्न होगा, ऐसी संपन्न मूर्तियाँ स्वतः ही मास्टर दाता बन जाती हैं। अब जो फुल होगा वो क्या करेगा, वो तो नेचुरली देगा। तो जो संपन्न मूर्ति है वो तो स्वतः ही मास्टर दाता बन जाती है। दाता अर्थात सेवाधारी, है ना। तो अब चौथी सब्जेक्ट क्या है, सेवा। तो जो संपन्न है वो नेचुरल दाता बन जाता है, और दाता बनना ही तो सेवाधारी बनना है। दाता देने के बिना रह नहीं सकता, उसको देने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसको तो इतना मिला है, बाबा ने इतना भरपूर किया है कि वो देने के बिना रह ही नहीं सकता। दातापन के संस्कार से स्वतः ही सेवा का सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में सहज हो जाता है। तो चारों का ही संबंध हुआ ना। कोई कहे कि मेरे में ज्ञान तो अच्छा है लेकिन धारणा में कमी है, तो उसको ज्ञानी कहा जाएगा? नहीं। ज्ञान तो दूसरों को भी देते हो ना, है तब तो देते हो। एक है समझना, दूसरा है स्वरूप में लाना। ज्ञान सिर्फ समझने की चीज़ नहीं, बाबा ने कहा ना, यहाँ पढ़ाई की विधि ही ये है कि समझा स्वरूप में लाया तब कहेंगे ज्ञानी। समझने में सभी होशियार हैं, समझाने में भी सभी होशियार हैं, लेकिन नंबर वन बनना है ज्ञान और योग में स्वरूप में लाओ। बाबा कहते हैं नंबर वन बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ, फिर नंबर वार नहीं होंगे लेकिन नंबर वन होंगे। तो सुनाया कि आज सत शिक्षक अपने चारों ओर के ईश्वरीय विद्यार्थियों को देख रहे थे। आज हम कौन बैठे हैं? सत शिक्षक के सम्मुख ईश्वरीय विद्यार्थी बैठे हैं, श्रेष्ठ धारणा मूर्त ईश्वरीय विद्यार्थी बैठे हैं। तो क्या देखा? सभी नंबर वन दिखाई दिए व नंबर वार दिखाई दिए। क्या रिजल्ट होगी, क्या समझते हैं? ना सबको मालूम है, मुस्कुरा रहे हैं। वह समझते हो कि नंबर वन तो एक ही होगा ना, फिर उसमें लॉजिक में चले जाएंगे, एक ही होगा ना, हम तो नंबर वार में ही आएंगे। फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हो ना, फर्स्ट डिवीजन में भी आएंगे तो रॉयल फैमिली में आ जाएंगे, उसमें एक नहीं होता है। तो चेक करो, अगर बार बार किसी भी बात में स्थिति नीचे ऊपर होती है, अर्थात बार बार पुरुषार्थ में मेहनत करनी पड़ती है, सुना, अगर बार बार किसी बात में स्थिति ऊपर नीचे होती है, उसका मतलब क्या है? बार बार पुरुषार्थ में मेहनत करनी पड़ती है। योगी जीवन में कोई बात आ जाती है तो हमारा पुरुषार्थ ढीला हो जाता है। बार बार स्थिति ऊपर नीचे होना मतलब ये नहीं होता कि कोई बात आई और हम गद्दी पर बैठ के फ़ोन देख रहे थे और हमारे को उदासी हो गई। नहीं, स्थिति ऊपर ना हो, ऊपर नीचे ना होना मतलब जो हमारी पुरुषार्थी जीवन है, जो हमारी ईश्वरीय जीवनचर्या है, दिनचर्या है, मनचर्या है, वो सहज चलती रहे। कितनी भी बातें आएं हम उसे सहज और स्वतः पार कर लें, उसको कहेंगे कि हाँ इनकी स्थिति अच्छी है। लेकिन ऐसा नहीं कि स्थिति अच्छी है माना अभी हम टीवी देख रहे थे, खुश थे, किसी ने कुछ कह दिया, उदास हो गए, उसको ऊपर नीचे नहीं कहते। पुरुषार्थी जीवन में ऊपर नीचे ना होना। इससे सिद्ध है कि ज्ञान की मूल सब्जेक्ट के दो शब्द रचता और रचना की पढ़ाई को स्वरूप में नहीं लाया है। जब पुरुषार्थी जीवन में बातें आती हैं और ऊपर नीचे हो जाते हैं तो इसका मतलब मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, ये ठीक से समझ में नहीं आया है। सर्वशक्तिवान की संतान, जिसके पास सर्वशक्तियाँ हैं, जो स्वयं मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, उनके सामने ऐसी कोई बात नहीं
जो उनकी दिनचर्या मनचर्या को डिस्टर्ब कर सके। जीवन में मूल संस्कार के रूप में व मूल नेचर के रूप में व सहज स्वभाव के रूप में नहीं लाया है रचयिता रचना का ज्ञान। मैं यही हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा ही हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान ही हूँ, इसको नेचुरल नहीं बनाया है ना, स्वमान में नहीं आया है, अभी वो स्थिति नहीं बनी है। भले ही ज्ञान है लेकिन वो रियलिटी नहीं बनी है मेरी। तो बाबा कहते रियल बन जाएंगे तो रॉयल बन जाएंगे ना, तो रॉयल्टी में मेहनत क्यों करने पड़ते हैं, क्योंकि अभी उसको रियलिटी नहीं समझा है। ब्राह्मण जीवन का नेचुरल स्वभाव संस्कार ही योगी जीवन ज्ञानी जीवन है। ज्ञानी योगी जीवन कोई मेहनत की बात नहीं है, ये हमारा नेचुरल स्वभाव संस्कार है। जीवन अर्थात निरंतर सदा, 8 घंटा जीवन है फिर 4 घंटा नहीं है, ऐसा नहीं होता। आज 10 घंटे के योगी बने, आज 12 घंटे के योगी बने, आज 2 घंटे के योगी बने, वो योग लगाने वाले योगी हैं, योगी जीवन वाले योगी नहीं हैं ना। विशेष संगठित रूप में इसलिए बैठते हो, अब योग के प्रोग्राम बनते हैं, संगठित रूप में विशेष बिठाया जाता है, योग लगाने के लिए नहीं बिठाया जाता। वो तो हर बच्चा योगी जीवन वाला है, योगी तो उसको निरंतर रहना है, फिर प्रोग्राम क्यों बनाया जाता है। तो आज समझो, विशेष संगठित रूप में इसलिए बैठते हो कि सर्व के योग की शक्ति से वायुमंडल द्वारा कमज़ोर पुरुषार्थियों को और विश्व की सर्व आत्माओं को योग शक्ति द्वारा परिवर्तन करें। वो तो हम विश्व परिवर्तन के ध्येय से संगठित योग करते हैं, या कमज़ोर पुरुषार्थियों को लिफ्ट देने के लिए, इसलिए वो भी आवश्यक है। लेकिन इसलिए योग में नहीं बैठते हो कि अपना ही टूटा हुआ योग लगाते रहो, नहीं। योगी जब हम संगठित रूप में योग में बैठते हैं तो वो सेवा अर्थ होता है। संगठित शक्ति ये भी सेवा के निमित्त है। लेकिन योग भट्टी इसलिए नहीं रखते हो कि मेरा कनेक्शन फिर से जुट जाए, कई दिनों से योग नहीं हुआ है, योग भट्टी में योग करके आए, नहीं। बाबा कहते हैं योग भट्टी इसलिए रखी जाती है कि जो योग भट्टी में है वो एक एक आत्मा इतनी योग शक्ति से संपन्न है कि उस शक्तिशाली योगाग्नि से अनेकों की बुझी हुई अग्नि को प्रज्वलित करें और अनेकों को योग की शक्ति की लिफ्ट दे, विश्व सेवा करें। अगर कमज़ोर हो तो इसलिए बैठ जाते हो, सोचते हो कि हमारा योग लग जाए। और योगी तो आत्मा हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान बन, मास्टर विश्व कल्याणकारी बन, सर्व को सहयोग देने की सेवा करते हो, योग का सहयोग देते हो संगठित योग से। तो पढ़ाई अर्थात स्वरूप बनना। अच्छा, अब आज सुनो बाबा क्या कहते हैं। आज दीपावली मनाने आए हैं ना सभी। मनाने का अर्थ क्या है? दीपावली में क्या करते हो? दीप जलाते हो। आजकल तो लाइट जलाते हैं, और लाइट पर कौन आते हैं? परवाने, है ना। तो दीपावली पर क्या रस्म पड़ी हुई है? नेचुरल, देखो परवाने शमा पर फिदा होते हैं। तो दीपावली किसका यादगार है? जो फिदा होकर है ना संपन्न संपूर्ण बने, उनका यादगार है। परवाने की विशेषता क्या होती है? फिदा होना। तो दीपावली मनाने का अर्थ क्या हुआ? तो फिदा हो गए या आज होना है। वैसे भी यज्ञ में भी दीपावली के दिन ब्रह्मा बाबा ने भी सब कुछ माताओं की कमिटी को सौंप दिया, पूरा बलिहार चले गए। तो दीपावली है ही बलिहार जाने का पर्व।
हो गए या होना है, तो दीपावली तो मना ली। फिर क्यों मनाते हो, जब फिदा हो गए तो दीपावली मना लिया कि बीच बीच में चक्कर लगाने जाते हो। बाबा कहते सच्ची दीपावली मनाना अर्थात परवाने की तरह फिदा हो जाना, क्षमा पर, शिव बाबा पर। अब अगर वो मना ली तो फिर तो मन गई ना दीपावली, फिर लाइटों की बात नहीं है यहाँ पे। और बाबा कहते हैं या फिर कभी कभी जागृत होके फिर पुरानी दुनिया में चक्कर लगाने जाते हो बुद्धि से, फिदा हो गए हैं लेकिन थोड़े पंख अभी हैं, उससे थोड़ा चक्कर लगा लेते हो। ऐसे वाले तो नहीं, पूरा फिदा होते हो ना, तो चक्कर लगाने वाले तो नहीं हो ना, क्योंकि परवाने दो प्रकार के होते हैं, फिदा होने वाले और फेरी पहनने वाले। लेकिन फेरी पहनने वाले सदा दूर रहते हैं। तो बाबा कहते नस्ती काना है, सचमुच सतयुग में दीपावली मनानी है लक्ष्मी नारायण के साथ, तो फिर तो क्या करना होगा, फिदा होना पड़ेगा। चक्कर लगाना अर्थात किसी न किसी माया के रूप से टक्कर खाना। माया से टक्कर खाते हो या माया को हार खिलाते हो, वह कभी विजय प्राप्त करते हो कभी टक्कर खाते हो। जो फिदा हुआ है वो माया से भी बच गया है, और जो चक्कर लगा रहा है, माया टकराती है, युद्ध होती है, कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, कोई सदा हारते हैं कोई सदा जीतते हैं, है ना। दीप माला ये तो अपना ही यादगार मनाते हो, आपका यादगार है ना, कि मुख्य आत्माओं का यादगार है, मेरा यादगार है। कौन कौन कहते हैं मैं फिदा होने वाली आत्मा हूँ। आप देखने वाले हो क्या, आप सबका यादगार है, एक एक बच्चा ऐसा परवाना है बाबा का। इसलिए आजकल बहुत अंदाज में दीपक के बजाय छोटे छोटे बल्ब जगा देते हैं। अब देखो दुनिया में तो सोचते हैं ये छोटे छोटे बल्ब जो हैं ये आर्टिफिशियल हैं, लेकिन बाबा कहते दीपक तो थोड़े जगेंगे ना, लेकिन मुझ पर फिदा होने वाले बच्चे तो बहुत सारे हैं। इसलिए आजकल छोटी छोटी लाइटें अनेक लगाते हैं। दीपक जलाएंगे तो संख्या फिर भी उससे कम हो जाएगी, लेकिन आपकी संख्या तो बहुत है ना, तो सभी की याद में अनेक छोटे छोटे बल्ब जगमगा देते हैं, तो अपना यादगार मना रहे हैं। जब दीपक देखते हो तो समझते हो ये हमारा यादगार है। हाँ, दीपक देखते हो तो समझते हो ये हमारा यादगार है। देखते हो एक वहाँ लौ जल रही है, एक मैं आत्मा आत्मिक स्मृति में बैठी हूँ। स्मृति आती है, यही संगम युग की विशेषता है। क्या विशेषता है, जड़ और चैतन्य का भी संगम है। जड़ यादगार भी अभी ही सामने है, और चैतन्य में हम उस स्वरूप में भी स्थित हो रहे हैं। ये भी संगम युग की बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जड़ यादगार और चैतन्य स्वरूप में बनने वाले दोनों एक साथ एक ही समय पर पाठ बजाते हैं। यही संगम युग की विशेषता है, जो चैतन्य दीपक अपना जड़ यादगार दीपक देखते हो, चैतन्य में स्वयं हो और जड़ यादगार देख रहे हो। ऐसे तो जिस दिन दीपावली मनाओ उस दिन ही वास्तविक तिथि है। बाबा कहते हमें तिथि कौन बताएगा, हम तो बनने वाले हैं, हम चैतन्य दीपक हैं। जब हम जग रहे हैं तो तिथि ही तिथि है। ये तो दुनिया वालों ने तिथि फिक्स की है, लेकिन आपकी तिथि अपनी है। इसलिए जिस दिन आप ब्राह्मण मनाओ वही सच्ची तिथि है। इसीलिए कोई भी तिथि फिक्स करते हैं तो किससे पूछते हैं, ब्राह्मणों से ही निकालते हैं, है ना। दुनिया में यादगार ब्राह्मणों को पूछते हैं इसकी तिथि कब है, तिथि फिक्स ही ब्राह्मण करते हैं। तो बाबा कहते आप तो फिक्स करने वाले ब्राह्मणों, फॉलो करने वाले नहीं। जब आप आत्मिक स्मृति में हो तो दीपावली है। तो आज बाप दादा सभी देश विदेश के सदा जगे हुए दीपकों को दीप माला की मुबारक दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। दीपावली मुबारक अर्थात
माला माल संपन्न बनने की मुबारक, दीपमाला माला माल बनने की यादगार है, तो मुबारक है ना बाबा को भी, हैप्पी दिवाली। अच्छा, अभी अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है। खुश नसीब वो जिसके चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई दे, चेहरे से भी चलन से भी सदा खुशी की झलक दिखाई दे, वो खुश नसीब है ना। कहते हैं ना किसी ने अपना बना के हमको मुस्कुराना सिखा दिया, तो बाबा ने खुश नसीब बनाया, लेकिन खुश नसीब कौन, जो जिसके चेहरे चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई दे। सभी अपने को सदा खुश नसीब आत्माएं समझते हो, खुश नसीब आत्माओं के निशाने क्या होगी, उनके चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई देगी, चाहे कोई भी स्थूल कार्य कर रहे हो, साधारण काम कर रहे हो, लेकिन हर कर्म करते खुशी की झलक दिखाई दे। हमारी झलक फलक श्रेष्ठ हो, खुश हो, खुशनुमा हो, भले ही हाथों से काम साधारण है, लेकिन कर्म कॉन्शियस आत्माएं थोड़ी हैं हम, जो साधारण काम होगा तो स्थिति भी साधारण हो जाए, स्थिति तो खुशनुमा है। इसको कहते निरंतर खुशी में मन नाचता रहे, ऐसे सदा रहते हो या कभी बहुत खुश रहते हो कभी कम। खुशी का खजाना अपना खजाना हो गया, तो अपना खजाना तो सदा साथ रहेगा ना, अपने खजाने के लिए, अपने खजाने को यूज़ करने के लिए हमें किसी की परमिशन नहीं चाहिए, किसी व्यवहार की, किसी परिस्थिति की। श्रेष्ठ काम करेंगे तभी जाके हम खुश होंगे, ऐसा नहीं। अपना खजाना है, अपनी चीज़ है, किसी के भी सम्मुख है, किसी भी परिस्थिति में है, कोई भी काम कर रहे हैं, अपने खजाने से संपन्न है, अपने खजाने की झलक फलक चेहरे पे दिखाई देती है। या कभी कभी रहेगा, बाप के खजाने को अपना खजाना बनाया है या भूल जाता है अपना खजाना। बाप याद रहेगा तो बाप का खजाना भी साथ रहेगा, अपनी स्थूल चीज़ तो याद रहती है ना, वो खजाना आँखों से दिखाई देता है, लेकिन ये खजाना आँखों से नहीं दिखाई देता, दिल से अनुभव करते हो। तो अनुभव वाली बात कभी भूलती है क्या, तो सदा ये स्मृति में रखो कि हम खुशी के खजाने के मालिक हैं। बाबा की याद से जितना अनुभव में आए हैं कि मैं खुशी के खजाने की मालिक, खुशी संपन्न आत्मा हूँ, उतना फिर ये खजाना भूलता नहीं है। जितना खजाना याद रहेगा उतना नशा होगा। सारी बात किसकी है, विस्मृति और स्मृति की। याद है तो नशा है, नशा है तो झलक फलक है चेहरे पर। तो ये रूहानी नशा औरों को भी अनुभव कराएगा कि इनके पास कुछ है। वैसे भी कहते हैं ना, इनका चेहरा बता रहा है कि इनके पास कुछ है। माताओं को सारा समय क्या याद रहता है, सिर्फ बाप याद रहता है या और भी कुछ याद रहता है, बाबा पूछते हैं। हाँ माताएं बताओ भाई, सिर्फ बाबा याद है या और भी कुछ याद है ना। माताएं सब मुस्कुराती हैं, है ना। माताओं को बाबा क्यों ये सवाल पूछते हैं, क्योंकि माताओं में बहुत मोह होता है। लेकिन अब तो माताएं क्या बन गई, नष्टो मोह, अर्जुन बन गई ना। वर्षे की तो खुशी दिखाई देगी ना, जब ब्राह्मण जीवन के लिए संसार ही एक बाप है। ब्राह्मण जीवन अर्थात मेरे सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियाँ, मेरा संसार बाबा है। संसार में क्या होता है, दो चीज़ें संबंध और प्राप्तियाँ, तो दोनों ही बाबा से हैं, तो बाबा ही संसार है। तो संसार के सिवाय और क्या याद आएगा, संसार माना संसार, उसके आगे बुद्धि नहीं जा सकती। तो बाबा के आगे और बुद्धि ना जाए, किसी की याद ना आए, इसको कहेंगे कि श्रेष्ठ ब्राह्मण। सदा दिल में अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहो, एक तो मेरे वाह बाबा वाह, दूसरा वाह मेरा भाग्य वाह।
ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में प्राप्त होगा जो सारे कल्प में अभी प्राप्त होता है। तो अभी की खुशी भाग्य के गीत गाते रहो, अभी का नशा सबसे श्रेष्ठ है। तो माताओं को और कोई संबंध याद आते हैं क्या? कोई संबंध में नीचे ऊपर तो मोह जाता है क्या? बाबा पूछते हैं। मोह सारा खत्म हो गया? बाबा पूछते हैं। मोह खत्म हो गया माताओं का? जो कहते कुछ भी हो जाए मेरे को मोह नहीं आएगा, वो हाथ उठाए, है ना। नष्टो मोहा की कहानी, मोहजीत राजा की कहानी हमारी है ना। तो बाबा कहते हाथ उठाओ, कौन कौन है मोहजीत, है ना। अच्छा, मोह का पेपर भले आवे, पेपर भी आए तो हारेंगे तो नहीं, है ना। कई कहते मोह नहीं है, लेकिन फिर मोह का कोई पेपर नहीं आए। मोह का पेपर तो आता है ना, क्योंकि जहाँ भी हमारी रग अटकी है वहाँ से माया परीक्षा लेती रहती है। तो उसमें पास होते हैं, या जब माया आती है तब थोड़े ढीले हो जाते हैं। तो सदा खुशी के गीत गाते रहो, समझा। कुछ भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए, चाहे किसी भी रूप में माया आए लेकिन खुशी ना जाए। ऐसे खुश रहने वाले ही सदा खुश नसीब हैं, क्योंकि ऐसे खुश रहने वाले ही अंतमते सोगति पाकर सुख धाम के वासी बनेंगे, है ना। इसीलिए इस पुरानी दुनिया, परिवर्तनशील दुनिया में मोह ना रख, है ना। सदा कैसा रहना है? कुछ भी हो जाए, क्योंकि इस दुनिया में तो बातें आएंगी, ऊपर नीचे की बातें बहुत होंगी, लेकिन मैं बाबा की याद से अपनी सुख स्वरूप स्थिति में एकाग्र रहूं तो 21 जन्म सुखधाम का मालिक बन जाऊंगी। अच्छा, अभी आंध्रा और कर्नाटक वालों को कौन सी कमाल करनी है? ऐसे कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह जाए, हर एक को संदेश देना है। जहाँ भी रहते हो सर्व आत्माओं को संदेश मिलना चाहिए। जितना संदेश देंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। खुशी भी कैसे मिलती है? श्रेष्ठ कर्म से, सेवा से। अच्छा, ऐसे सदा जागती ज्योत, सदा स्वयं प्रकाश स्वरूप बन, अनेकों का अंधकार मिटाने वाले सच्चे दीपक, सदा चारों ही सब्जेक्ट को साथ साथ जीवन में लाने वाले, सर्व सब्जेक्ट में नंबर वन के लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले, ऐसे ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माएं, दिव्य गुण स्वरूप आत्माएं, निरंतर सेवाधारी श्रेष्ठ विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का, उमंग उत्साह के आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। बाबा कहते उड़ने के लिए दो पंख चाहिए ना, तो ब्राह्मण जीवन में सदा उड़ती कला हो, उसके लिए निरंतर उमंग उत्साह में रहना है। उमंग उत्साह ढीला करने वाली बहुत बातें आएंगी, लेकिन बाबा जो हमें रोज़ ज्ञान की खुराक देते हैं, याद से शक्ति भरते हैं, उससे अपने आप को सदा उमंग उत्साह में रखना है, तभी हमारी ब्राह्मण जीवन की चाल उड़ती उड़ती कला वाली होगी। चींटी वाली नहीं, दौड़ने वाली नहीं, लेकिन उड़ने वाली। उड़ती कला का अनुभव करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह के पंख चाहिए, क्योंकि जब नीचे खींचने वाली बातें आती हैं तो हिम्मत भी चाहिए और निरंतर ज्ञान योग से उमंग उत्साह भी बनाना है। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उमंग उत्साह बहुत ज़रूरी है। अगर उमंग उत्साह नहीं तो कार्य सफल नहीं हो सकता, क्योंकि कार्य शुरू होने से संपन्न होने तक कई बातें आएंगी। अगर बातों से दिल शिकस्त हो जाएंगे तो सफलता देखेंगे ही नहीं। इसलिए बातों के आने पर भी जो उमंग उत्साह वाले होते हैं ना, वो निरंतर पुरुषार्थ करते रहते हैं, तभी सफलता का सूरज दिखाई देता है। तो बाबा कहते क्योंकि उमंग उत्साह नहीं तो थकावट होगी, बातों में फंसेंगे, थकेंगे,
और थका हुआ कभी सफल नहीं होता। इसलिए हिम्मतवान बन, उमंग और उत्साह के आधार पर उड़ते रहो तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे, है ना। मंजिल के बीच में जो बातें आती हैं उसमें अटक के थको नहीं, उमंग उत्साह से उड़ते चले जाओ। स्लोगन है, दुआएं दो और दुआएं लो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। अभी पुरुषार्थ क्या करना है, वो लो वाला पुरुषार्थ नहीं करना, ऊंचा पुरुषार्थ, दुआएं देना, दुआएं लेना। ओम शांति।